उत्तरकाशी के सिलक्यारा हादसे में मजदूरों को फंसे 15 दिन से ऊपर हो चले हैं, लेकिन मजदूरों का रेस्क्यू फिलहाल सफल नहीं हो पा रहा है। मजदूरों को रेस्क्यू करने में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी पहुंचे मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कहा कि मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर सफलता भी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरणों में है, वहीं टेक्निकल कारणों के चलते एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। जल्द ही इस रेस्क्यू अभियान में सफलता हासिल होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काशी में हर संभव प्रयास किया जा रहा है और अब अंतिम चरण में है जो भी ऑपरेशन है, और हमें पूरी आशा है कि जल्दी ही इसको सफलता मिलेगी और जल्दी ही ये लोग हम बाहर निकालने में कामयाब होंगे। सर, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेना की मदद लेनी पड़ रही है? सेना भी वहाँ उपलब्ध है, लेकिन ये टेक्निकल मामला है, इसलिए जो लोग टेक्निकल हैं, जो इस काम के माहर हैं, विदेशों से भी एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। और क्योंकि पूरा देश इसमें लगा हुआ है, हर विभाग, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, सभी लगे हुए हैं, तो सेना भी उसी का हिस्सा है। जरूरत पड़ेगी तो उनकी सेवाएं भी ली जा सकती है।